हेलो एवरीवन, आज हम क्लास थर्ड का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। क्लास थर्ड के मैथमेटिक्स में आज हम चैप्टर 1 है नंबर्स का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 में हम नंबर्स के बारे में प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, राइट इन वर्ड, राइट इन नंबर नेम्स, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लास थर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर्स। आज हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1 में हम प्रीडिसर और सक्सेसर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीडिसर और सक्सेसर होता है क्या, पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, प्रीडिसर क्या होता है, जो दिया हुआ नंबर होता है उससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला नंबर क्या होता है, उसका प्रीडिसर। और सक्सेसर क्या होता है, जो दिया हुआ नंबर उसके होता है उसके बाद में जो आने वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, उसका सक्सेसर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें 9 का प्रीडिसर बताना है, 9 से पहले क्या आता है, 8, तो ये क्या इसका प्रीडिसर। अगर हम पूछ रहे हैं सक्सेसर, तो सक्सेसर क्या होगा, 9 के बाद हमें क्या आता है, 10, तो 9 का सक्सेसर क्या है, 10, और 9 का प्रीडिसर क्या है, 8। या हम ये कह सकते हैं कि हम 9 में से 1 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा प्रीडिसर। या हम 9 में 1 ऐड कर दें, 9 में 1 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा सक्सेसर। तो देखिए, प्रीडिसर में हम 1 माइनस करेंगे और सक्सेसर में 1 ऐड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन, राइट द प्रीडिसर ऑफ। देखिए, हमें प्रीडिसर लिखना है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 6345 दिया हुआ है, इसका प्रीडिसर लिखना है। हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि प्रीडिसर क्या होता है, कि प्रीडिसर जिसमें हम 1 माइनस करते हैं, जी जो दिया हुआ नंबर है उसमें अगर हम 1 माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रीडिसर। अगर हम इसमें माइनस करें तो क्या आएगा, हमारा आंसर 6344। तो इसका प्रीडिसर क्या है, 6344। देखिए, 6345 से पहले क्या आता है, 6344, तो इसमें क्या आएगा, 6344। नेक्स्ट पार्ट देखिए, भी 3172 दिया हुआ है, इसमें भी हम 1 माइनस करके देख लेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर 3171। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 2532। अब देखिए, 2532 में हम क्या कर देंगे, माइनस 1 कर देंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर 2531। ये था हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, दिया हुआ 9817 दिया हुआ है, इससे पहले क्या आता है, इसका प्रीडिसर। तो हम पहले करने के लिए माइनस 1 करके देखेंगे। देखिए, 7 में 7 गए 6, यहाँ 1, यहाँ 8, यहाँ 9, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9816, ऐसे हमारा प्रीडिसर निकल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 5470, इसमें भी हम प्रीडिसर निकालने के लिए क्या कर देंगे, 1 माइनस, 10 में 7 गए 9, इधर बचे 6 और इधर 4, 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5469। ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। 4000 का प्रीडिसर पूछा है, तो यानी कि हम 1 माइनस कर लेंगे। देखिए, 10 में 7 गए 9, यहाँ भी 9 बचे, इधर भी 9 और इधर हमने कैरी ली थी, तो इधर क्या बचा हमारा, 3, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3999। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। राइट द सक्सेसर ऑफ। देखिए, सक्सेसर निकालना है। सक्सेसर क्या होता है, जो दिया हुआ नंबर होता है उसके बाद में आने वाला जो नंबर होता है वो क्या होता है, उसका सक्सेसर। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सक्सेसर ऑफ। देखिए, हमें सक्सेसर लिखना है इसका। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 7999। देखिए, हम 1 ऐड कर देंगे, 9 और 1 10 और 8 का 8, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8000। देखिए नेक्स्ट पार्ट, 8173 दिया हुआ है, इसमें भी हम क्या कर देंगे, 1 ऐड, क्योंकि सक्सेसर हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 ऐड, 3 + 1 = 4 = 7 + 1 = 8, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8174। ये नेक्स्ट पार्ट देखिए, 2450 दिया हुआ है। देखिए, 2450 में हम क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1542,
तो यानी क्या आएगा हमारा आंसर 2451, ये इसका सक्सेसर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 3100, इसका भी हमें सक्सेसर बताना है, वन ऐड कर देंगे 3101 आ जाएगा हमारा आंसर। ये नेक्स्ट पार्ट हो देख लीजिए 6749 दिया हुआ है, वन ऐड करेंगे 9 और 1 10, 1 कैरी 4 1 5 7 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6750। ये लास्ट पार्ट हो रहा है ये हो देख लीजिए 4445 दिया हुआ, 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4446। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट द टेबल। देखिए हमें टेबल को कंप्लीट करना है। देखिए एक साइड प्रीडिस है, फिर नंबर है, फिर सक्सेसर है। तो देखिए 9 का जो प्रीडिसर है वो क्या होगा, 9 से पहले क्या आता है 8, 9 के बाद में क्या आता है 10, तो यानी कि 10 क्या है इसका सक्सेसर, 8 क्या है इसका प्रीडिसर। अब 99 से पहले क्या आता है 98, और 99 के बाद में क्या आता है 100। तो हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 999, 999 में इसका प्रीडिसर भी बताना है और सक्सेसर भी। प्रीडिसर मान लीजिए आपको काउंटिंग नहीं आती, तो हम क्या करेंगे 999 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका प्रीडिसर। तो देखिए 998 आ गया। अब 999 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका सक्सेसर। तो देखिए क्या आया हमारा सक्सेसर 1000। तो देखिए 999 का प्रीडिसर क्या है 998, और सक्सेसर क्या है 1000। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है 9999, इसमें 1 माइनस करेंगे। देखिए 1 माइनस करते 9 में से 1 गए 8, 999, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9998। और देखिए 1 ऐड किया तो क्या आया इसमें 10000। देखिए करके देख लेते हैं हम, देखिए 9 1 10 9 1 10 9 1 10 और 9 1 10, तो हमारा आंसर क्या है 10000। तो ये इसका सक्सेसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द प्रीडिसर एंड सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का हमें प्रीडिसर भी बताना है और सक्सेसर भी बताना है। पहले हमें क्या पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, देखिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, देखिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है जैसे 1 के बाद हम कितनी जीरो लगा देंगे 20, यानी कि 3 डिजिट बोला है तो 20, अगर 4 डिजिट बोला है तो हम 30 लगा देंगे। देखिए ये 3 डिजिट हो गया ना 1 2 3, तो यानी 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब इसी का हमें क्या बताना है प्रीडिसर। देखिए प्रीडिसर क्या होगा इसका, प्रीडिसर होगा 1 माइनस कर देंगे 100 में से, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99, और सक्सेसर में क्या करेंगे 1 ऐड। तो देखिए सक्सेसर में 1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 101, तो हमारा देखिए प्रीडिसर क्या होगा 99 और सक्सेसर क्या होगा 101। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है राइट द प्रीडिसर एंड सक्सेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का हमें प्रीडिसर और सक्सेसर बताना है। अभी जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर का प्रीडिसर और सक्सेसर बताया, वैसे ही हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का बताएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व। देखिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है। तो देखिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 के बाद हम कितने ज़ीरो लगा देंगे 3 ज़ीरो, क्योंकि देखिए 4 डिजिट है, तो देखिए 1 2 3 4, तो यानी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो गया। तो यानी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है 1000। 1000 का हमें क्या बताना है प्रीडिसर और सक्सेसर। प्रीडिसर क्या है इसका, देखिए प्रीडिसर होता है उससे पहले वाला, तो यानी प्रीडिसर में हम क्या करेंगे माइनस 1, 10 में से 1 गए 9, फिर 10 में से 1 गए 9। अब देखिए इधर सक्सेसर बताना है इसका, 1000 में हम क्या कर देंगे ऐड, 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1001, वो क्या आ जाएगा इसका सक्सेसर। तो देखिए प्रीडिसर है इसका 999 और सक्सेसर क्या है 1001। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होने के साथ साथ जो हमारी एक्सरसाइज 1 थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।
इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।